हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। पिछला वीडियो जो था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे और उस रूल्स के बाद हमने कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस किए थे। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी कंपाउंड्स का डिस्कशन इस वीडियो में करा रहा हूं मैं, उन सारे कंपाउंड्स को याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स यही कंपाउंड बार बार रिपीट होते हैं और नीट JEE में भी सिंपल क्वेश्चंस में आपको ये कंपाउंड रिपीट होते हुए नजर आएंगे और ये आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करने वाले हैं और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो पर अगर आप अभी नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बोर्ड पर कुछ कंपाउंड्स को बना देता हूं, कुछ कीटोन्स बना देता हूं और उसके बाद हम लोग उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने बोर्ड पर कुछ कीटोन्स बना दिए हैं। इस तरफ हैं एलिफैटिक कीटोन्स और इस तरफ हैं एरोमेटिक कीटोन्स। तो हम लोग चलते हैं और इनके नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको एक चीज पर बहुत ही खास ध्यान देना पड़ेगा, कीटोन जो है वो अनलाइक कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड के, ये कभी भी टर्मिनल कार्बन एटम पर नहीं आएगा, ये हमेशा चेन के बीच में आएगा और इसलिए इस बार नॉमेनक्लेचर सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। हमेशा 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 कीटोन फंक्शनल ग्रुप के पहले उसका लोकेंट नंबर होगा IUPAC नेम्स में और सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स में आपको ये देखने मिलेगा कि कार्बोनिल कार्बन को सेंटर मान लिया जाएगा और उसके इस तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप है, उस बेसिस पर नाम दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग अभी कॉमन नेम्स डिस्कस करते हैं। तो सेंटर में है कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम के इस तरफ है मिथाइल ग्रुप और इस तरफ भी है मिथाइल ग्रुप, दोनों मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, है ना इजी बच्चों। ये वाला देखिए, इस कार्बोनिल कार्बन के राइट हैंड साइड में है कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप और इधर है मिथाइल ग्रुप, दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ऑलराइट। अब इसको देखते हैं, यहां पर कार्बोनिल कार्बन के राइट हैंड साइड में आपको प्रोपाइल ग्रुप नजर आ रहा है, तीन कार्बन है, प्रोपेन का प्रोपाइल हो जाएगा और ये मीथेन का मिथाइल हो जाएगा, ऑलराइट। तो M पहले आएगा, P बाद में आएगा, लेकिन ये प्रोपाइल ग्रुप में हमें कोई भी आइसो या ब्रांच देखने नहीं मिल रही है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, मिथाइल N प्रोपाइल, मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। समझ में आ गई बात बच्चों। इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके इस तरफ इथाइल ग्रुप और इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। कितना सिंपल है, कार्बोनिल कार्बन पकड़ना है और उसके दोनों तरफ कौन से अल्काइल ग्रुप है उनका नाम लिख देना है। यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ तो N प्रोपाइल दिख रहा है हमको, लेकिन इस तरफ क्या है, क्या है बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड है। यहां पर इथाइल भी है और ब्रोमाइड भी है, लेकिन ये इथाइल ब्रोमाइड हम जब लिखेंगे तो हमको ब्रोमाइड का लोकेंट बताना पड़ेगा। अब ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन को सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स में अल्फा कार्बन बुलाया जाता है तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा इथाइल ब्रोमाइड एन प्रोपाइल कीटोन। क्या नाम है बच्चों, देखिएगा, अल्फा इथाइल ब्रोमाइड एन प्रोपाइल कीटोन। समझ में आ गई बात बच्चों। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो नाम है इसका कॉमन नेम काफी डिफरेंट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, इसका नाम है मेसिटाइल
ऑक्साइड, क्या नाम है बच्चों, मैसेटाइल ऑक्साइड। जहन में रहे, ध्यान रहे कि कार्बोनिल कार्बन एटम के बगल वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन एटम को डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, और इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में दो ब्रांच है, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, और इस कार्बोनिल कार्बन एटम के दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड के लिए स्पेशली एक नाम है जिसका नाम है मैसेटाइल ऑक्साइड। ऐसे कार्बन एटम के लिए, ऐसे कंपाउंड के लिए स्पेशल एक नाम है जिसका नाम है मैसेटाइल ऑक्साइड। ऑलराइट बच्चों, अब यहां पर ये जो दो कंपाउंड है, क्योंकि इनका नेम थोड़ा सा अब डिफिकल्ट हो जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जा रहे हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड ग्रुप हैं ये, तो यहां पर कॉमन नेम हमको नहीं देखने मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं और देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाएगा बच्चों, तीनों कार्बन एटम्स को काउंट किया जाएगा, और सारे कार्बन एटम्स को काउंट करने के बाद हम लोग देखेंगे किस कार्बन एटम पर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, या इन तीनों कार्बन एटम में से कौन सा कार्बन एटम कार्बोनिल कार्बन एटम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए, ये तो कौन सा है, प्रोपेन है, प्रोपेन, तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, और ई को रिप्लेस करेंगे ओन के साथ, और ओन का लोकेंट नंबर क्या है, टू, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पर है दोनों तरफ से, तो प्रोपेन टू ऑन। याद रहे बच्चों कि प्रोपेन टू ऑन से छोटा ग्रुप कीटोन कंपाउंड में आपको नहीं दिखेगा, प्रोपेन टू ऑन से छोटा स्मॉलर कीटोनिक कंपाउंड आपको देखने नहीं मिलेगा, ये स्मॉलेस्ट कीटोनिक कंपाउंड है, क्योंकि कीटोन में कंडीशन क्या है, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन के इस तरफ सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप और इस तरफ भी सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप हमें प्रोपेन टू ऑन में ही देखने मिलेगा। अब आगे चलते हैं, इसका देख लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 और ये 2 पर आ गया है कार्बोनिल कार्बन, ऑलराइट, और कितने हैं, 4 हैं, तो हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन, और ई को रिप्लेस करेंगे ओन के साथ, लेकिन ओन के पहले लोकेंट नंबर आएगा, तो ब्यूटेन 2 ओन हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों। अब ये वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, उस एंड से नंबरिंग करना है जहां से ये क्लोजेस्ट है, तो इस पर 2 नंबर आ रहा है, लेकिन कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पेंटेन, ई विल बी रिप्लेस बाय ONE, और उसके पहले आएगा लोकेंट नंबर, तो पेंटेन 2 ओन। ये देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 दोनों एंड से यहां पर नंबर आ रहा है, नंबर 3, तो ये क्या है, पेंटेन 3 ओन। समझ में आ गई बात बच्चों। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी बात करते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो अल्फा कार्बन एटम पर ब्रोमीन था, लेकिन अल्फा कार्बन एटम आईयूपीएसी में तो नहीं गिना जाता है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, और इस एंड से कार्बोनिल कार्बन सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे करीब है, तो 1 2 3 3 पर आ गया कार्बोनिल कार्बन, ऑलराइट बच्चों, और सेकेंड पर हमको देखने मिल रहा है ब्रोमीन, सेकेंड पे हमको देखने मिल रहा है ब्रोमाइड, ऑलराइट बच्चों, तो यहां पर ब्रोमो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 2 ब्रोमो और हेक्सेन 3 ओन, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो, 1 वर्ड रहेगा, हेक्सेन का ई रिप्लेस होगा, और यहां पर हम लोग ओन के पहले उसका लोकेशन बताएंगे, और यहां पर आ जाएगा ओन, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन। ये जो है मैसेटाइल ऑक्साइड देख लेते हैं बच्चों, तो 1 2 2 पर आ गया कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, उसके बाद ये है 3 3 पर हमें क्या देखने मिल रहा है, 3 पर देखने मिल रहा है डबल बॉन्ड, और यहां पर है सी, और सी के बाद एक कार्बन इसमें का गिन लिया जाएगा, दूसरे कार्बन को हम लोग CH3 की ब्रांच मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रांच इसमें से एक आ रही है। अगर इसको और समझाना चाहूं तो मैं इसको इरेज करके इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, देख लीजिए,
देखिए बच्चों, तो यहां पर मैंने इस ब्रैकेट को हटा करके यहां पर दोनों अलग अलग लिख दिया है, और यहां पर एक कार्बन को हम लोग ब्रांच में गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 की ब्रांच हो गई, और इस 5 की ब्रांच में एक और ब्रांच है, 5 की चेन में एक और ब्रांच है जो कार्बन नंबर 4 पर है, 4 पर है मिथाइल, ऑलराइट बच्चों, 3 पर है ईन, और उसके बाद 2 पर है ओन, ऑलराइट बच्चों, और 5 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग लिखेंगे 4 मिथाइल, और 5 की चेन है तो हम लोग लिखेंगे पेंट, और यहां पर 3 पर ईन है तो पेंट 3 ईन, और ईन का ई रिप्लेस होगा किसके साथ, ओन के साथ, और ओन का लोकेशन है 2, तो 2 ओन। समझ में आ गई बात बच्चों, क्या नाम हो गया इसका, 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ओन, ऑलराइट। यहां पर देख लीजिए, यहां पर अब ये डाई ओन है, दिख रहा है बच्चों, डाई ओन। अब यहां पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो कार्बोनिल कार्बन एटम को नंबर 3 मिलता है, यहां से करता हूं तो ये 3 पर आता है, और ये 4 और ये 5 हो जाता है। चेन कितने की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की है, तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हेक्सेन, और क्योंकि एक साथ दो ओन ग्रुप है तो इस बार ई को हम लोग हटाएंगे नहीं, ई रिप्लेस नहीं होगा, हम लोग लिखेंगे हेक्सेन 3.5 डायओन। समझ में आ गई बात बच्चों, देखिए कितना सिंपल है। और ये वाला देखिए, ये वाले में आपको ये देखने मिलेगा कि अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। जब भी कभी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट देखने मिलेंगे, तो हमको एक फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जो भी कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा एंड में आएगा या सफिक्स में आएगा, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्रीफिक्स में आ जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ये एक ट्रिक है जो सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस की सीरीज को याद रखने के लिए ग्रुप है, ये एक ट्रिक मैं वीडियो में डाल दूंगा और आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस हिसाब से, उस ट्रिक के हिसाब से उसको याद कर लीजिएगा। अभी फिलहाल ये है कि कीटोन और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो अल्डिहाइड तो एंड में आ जाएगा सफिक्स में, और अल्डिहाइड जब भी सफिक्स में आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, तो एल आ जाएगा वहां पर। और उसके अलावा क्या देखने मिलेगा बच्चों, उसके अलावा ये देखने मिलेगा कि ये अब कीटोन का ओन नहीं लिखेंगे, इसको जब भी कभी सफिक्स में लिखा जाता है तो इसको ऑक्सो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑक्सो। ऑलराइट बच्चों, तो ये सफिक्स में आ जाएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3 पर है ऑक्सो और 1 पर है एल, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स है, तो हम लोग इसको नेमिंग देंगे 3 ऑक्सो, क्योंकि ये सफिक्स में आ रहा है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन, ई रिप्लेस होगा किसके साथ, एल के साथ, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एरोमेटिक कीटोन्स के ऊपर, तो हम लोग एरोमेटिक कीटोन्स को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल ग्रुप के लिए एक और नाम आता है फिनाइल ग्रुप, ऑलराइट। तो ये फिन ग्रुप है, और इस फिन ग्रुप में क्या जुड़ा है बच्चों, क्या जुड़ा है, ओन जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनोन, ऑलराइट। अब एक तो फिनोन हो गया, फिन में जब ओन जुड़ा है तो फिनोन, और दूसरी ब्रांच क्या है, बेंजो, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजो फिनोन। समझ में आ गई बात बच्चों, इसी तरीके से इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाएगा, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फिन और फिन, तो हो जाएगा डाई फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, क्योंकि आइल एक हाइड्रोजन निकल गया है, इधर से भी डाई फिनाइल कीटोन। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। अब उसका हम लोग आईयूपीएसी नेम देखते हैं कुछ वक्त के बाद। ये वाला देख लेते हैं, ये फिन ओन दिख रहा है आपको, और फिन ओन में क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, बराबर है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कॉमन नेम में, मिथाइल फिनाइल कीटोन।
यहां पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर फिनाइल मिथाइल कीटोन क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं। तो चलिए यहां पर इसका एक और नाम है, वो नाम हम लोग देख लेते हैं, वो नाम है एसीटो और ये फिनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों? एसीटो फिनोन। ऑल राइट बच्चों, एसीटो फिनोन। और इसका नाम क्या था? बेंजोफिनोन। ओके, अब इनके आईयूपीएसी नेम्स को देख लेते हैं। तो आईयूपीएसी नेम्स में हमको क्या देखने मिलेगा बच्चों? आईयूपीएसी नेम्स इनके यही हैं। क्या है इसका आईयूपीएसी नेम? है बेंजोफिनोन। इनके कॉमन नेम्स को ही आईयूपीएसी नेम में ले लिया है और इसका नाम है एसीटो फिनोन। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो अब चलते हैं, अब एक और कंपाउंड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखिए मैं 6 कार्बन की रिंग बना देता हूं, यहां पर डबली बॉन्डेड ओ है, इधर क्लोरीन है और यहां पर मैंने CH3 बना दिया, CH3 बना दिया। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज देखिए, क्योंकि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स मिसिंग है, इस वजह से ये जो है एरोमेटिक रिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ साइक्लिक कीटोन जरूर है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की रिंग है, तो हेक्सेन और वो भी साइक्लिक हेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और यहां पर कीटोनिक ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सोनोन हो गया। अब जहां से भी शुरू करें सब 1 कार्बन है, तो अगर हमने इसको 1 बोल दिया तो ये 2nd कार्बन पर आ जाएगा, ये 3rd और ये 4th पर आ जाएगा मिथाइल। तो 2nd पर है क्लोरो और 4 पर है मिथाइल। क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो सी पहले आता है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, ऑल राइट, 4 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेनोन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स कैसे होता है आईयूपीएसी नेम्स के हिसाब से और सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स के हिसाब से। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ये लेटली डिस्कवर हुआ कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है इसका सिर्फ आईयूपीएसी नेम ही देखने मिलेगा, इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है। ऑलराइट बच्चों, और यहां पर देखिए मैंने दोनों के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स लिख दिए हैं, ये कॉमन नेम है, ब्रैकेट में आईयूपीएसी नेम है। यहां पर एक और नेम इसका आएगा, वो किसका है? डाइमिथाइल कीटोन का एक और नेम आ जाएगा, इसका नाम क्या होता है याद रखिएगा बच्चों? इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है? एसीटोन। वैसे तो हम लोग 2 कार्बन के लिए एसीटा वर्ड यूज करते हैं, यहां पर तो 3 कार्बन है, लेकिन सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स में हम लोग कार्बोनिल कार्बन को नहीं गिन रहे थे, तो अगर ये कार्बोनिल कार्बन को हम लोग नहीं गिनते हैं और मैं इसको हाइड कर लेता हूं तो कितने कार्बन बचते हैं? 2 कार्बन बचते हैं, तो इसलिए ये भी 2 कार्बन से एसीटा हो जाएगा और एक ओन है तो एसीटोन। समझ में आ गई बात बच्चों? देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 कार्बन थे, लेकिन हमने इथाइल में 2 कार्बन काउंट किए, मिथाइल में 1 कार्बन काउंट किया, कार्बोनिल कार्बन को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, वो कीटोन में आ गया था, तो इसीलिए यहां पर वर्ड क्या हो जाएगा? एसीटोन। ऑलराइट बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे इस वीडियो से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता रहे, और आप लोग बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो इंतजार करिए अगली वीडियो का।